Assalamualaikum, dear students. आज का जो लेक्चर है इट इज अबाउट द बैक्टीरियल प्लाज्मिड. नेक्स्ट स्लाइड में हम बैक्टीरियल प्लाज्मिड की फंक्शंस देखेंगे और उसकी जनरल टाइप. प्लाज्मिड्स आर दी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोवेंटली क्लोज सर्कल. दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द साइटोप्लाज्म. दे आर केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, मीन्स इनकी जो रेप्लिकेशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन. These plasmids can be transferred to progeny and they possess indispensable genes. यानी कि plasmids में ऐसे जीन मौजूद होते हैं कि अगर हम plasmids को bacterial cell से निकाल दें तो bacteria की death वाकई नहीं होती. जबकि अगर हम chromosomal DNA की बात करें तो अगर आप बैक्टीरियल सेल से क्रोमोसोमल डीएनए निकाल दें तो बैक्टीरिया जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है, बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाएगी. जबकि प्लाज्मिड्स के पास गैर जरूरी जीन होते हैं जो बैक्टीरिया की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसीलिए हम कहते हैं प्लाज्मिड्स कैरी दी इंडिस्पेंसेबल जीन्स. इसके अलावा अगर हम साइज देखें तो जो प्लाज्मिड का मॉलिक्यूलर वेट है दे आर स्मॉल साइज, अराउंड 10^5 टू 10^8 डाल्टन्स. जबकि अगर हम कंपैरिजन में बैक्टीरियल क्रोमोसोम का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो इट इज अराउंड 2×10^9 डाल्टन्स. प्लाज्मिड की अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड दो दफ़ा ही रेप्लिकेट होते हैं. एक दफ़ा तो जब एक पेरेंट सेल डॉटर सेल बना रहा हो, दूसरा जब एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव सेल के दरमियान कॉन्जुगेशन का प्रोसेस हो रहा हो. प्लाज्मिड्स के पास अपनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है जिसे हम ORIV कहते हैं, और इनके पास अपनी एक ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर होती है जिसे हम ORIT कहते हैं. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये वो पॉइंट है जहाँ से प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर ORIT ये वो साइट है जहाँ से बैक्टीरियल प्लाज्मिड की को जब ट्रांसफर होना होता है ड्यूरिंग दी कॉन्जुगेशन, तो यहाँ से ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है. लाइक दी बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो प्लाज्मिड है इसकी जो रेप्लिकेशन होती है इट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. यानी कि वन स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट के पास रहेगा और वन स्ट्रैंड जो है वो डॉटर एक्वायर करेगा. प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है और बाईडायरेक्शनल भी हो सकती है. और प्लाज्मिड अपनी रेप्लिकेशन के लिए क्रोमोसोमल रेप्लिकेटिंग मशीन भी इस्तेमाल करता है. ये वही एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन में, उन्हीं का इस्तेमाल प्लाज्मिड भी करते हैं फॉर ये रेप्लिकेशन. अगर देखा जाए तो जो ये प्लाज्मिड्स होते हैं दे कन्फर द एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक टू अ बैक्टीरियल सेल. लाइक ये कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हेल्प करते हैं. कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं दे कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ द पाइलस. कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं वो एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस लाइक बैक्टीरियोसिन या एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. कुछ रेजिस्टेंस देते हैं टू हैवी मेटल और अल्ट्रावायलेट रेज. कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं बैक्टीरिया की डिजीज प्रोड्यूसिंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं बाय एनकोडिंग वेरियस एंजाइम्स लाइक हीमोलाइसिस.
कुछ जो होते हैं ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ अनयूजुअल कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने में कामयाब होते हैं, और कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं कुछ एडिशनल एंजाइम्स बनाने में हेल्प करते हैं जो डिफरेंट इन्वेडिंग डीएनए होते हैं लाइक दी वायरस का डीएनए वगैरह उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिनको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएट कहते हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज हम प्लाज्मिड को क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिफरेंट टाइप्स प्लाज्मिड की डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल सेल में मुख्तलिफ तरह के प्लाज्मिड पाए जाते हैं और हर प्लाज्मिड का एक खास कॉपी नंबर होता है, यानी कि उनकी खास तादाद मौजूद होती है। तो कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं वो स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड या लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड कहलाते हैं। ऐसे प्लाज्मिड की जो कॉपीज होती हैं वो सेल में एक या दो होती हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फ्यू कॉपीज या तीन कॉपीज जो है प्लाज्मिड की मौजूद है। ऐसे प्लाज्मिड को हम स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड कहते हैं, जबकि कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं वो रिलैक्स या हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड होते हैं। ये ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जिनकी 10 to 100 कॉपीज पाई जाती हैं पर सेल। नेक्स्ट टाइप इज द कॉन्जुगेटिव और नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो एक खास किस्म का पाइलस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम सेक्स पाइलस कहते हैं या एग पाइलस कहते हैं। इस पाइलस की वजह से जो प्लाज्मिड के जीन्स हैं वो बआसानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बिकॉज ये जो सेक्स पाइलस या एग पाइलस होता है ये एक ब्रिज बनाता है जो जोड़ता है दो डिफरेंट बैक्टीरिया सेल को। तो ऐसे प्लाज्मिड जो सेक्स पाइलस फॉर्मेशन को कोड करते हैं उनको हम कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कहते हैं, और ऐसे बैक्टीरियल सेल जिनके पास कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड होते हैं वो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड की एफ प्लाज्मिड। जबकि नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो कि सेक्स पाइलस की फॉर्मेशन को कोड नहीं करते, और ऐसे प्लाज्मिड जो हैं वो खुद से ट्रांसफ़र नहीं होते बल्कि ये डिपेंडेंट अपॉन होते हैं अपॉन दी अदर प्लाज्मिड्स, यानी कि ये जब ही ट्रांसफ़र होंगे जब सेल के पास दूसरे कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स मौजूद होंगे, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सेल के पास सेक्स पाइलस मौजूद होगी। ये तभी ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के दरमियान। और हमारे पास नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड की एग्जाम्पल है आर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कंपैटिबिलिटी। बैक्टीरिया के पास अक्सर एक से ज्यादा तरह के प्लाज्मिड मौजूद होते हैं, और ऐसे प्लाज्मिड जो सक्सेसफुली पेरेंट से डॉटर में ट्रांसफर हो जाते हैं उनको हम कंपैटिबल प्लाज्मिड कहते हैं, और ऐसे प्लाज्मिड्स जो तमाम के तमाम पेरेंट से डॉटर सेल तक ट्रांसफर नहीं होते ऐसे प्लाज्मिड को हम इनकम्पैटिबल कहते हैं। इस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह ये समझी जाती है क्योंकि जो ये प्लाज्मिड हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन इनको रेप्लिकेशन या सेग्रीगेशन के लिए एक ही मेम्ब्रेन कंपोनेंट चाहिए होता है, तो दे कॉम्पीट। तो जो प्लाज्मिड उस मेम्ब्रेन से बाइंड करके सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाता है टू दी डॉटर तो वो आगे स्टेबली इनहेरिट हो जाता है, और जो प्लाज्मिड जो है वो सक्सेसफुली नहीं बाइंड कर सकते सेग्रीगेट नहीं कर सकते उस मेम्ब्रेन से तो वो एक्सक्लूड आउट हो जाते हैं और वो जो है डॉटर सेल तक नहीं पहुंचते। एफ प्लाज्मिड। बैक्टीरियल सेल के पास
कुछ ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो एक खास किस्म का पाइलस बनाते हैं, जिसे हम सेक्स पाइलस कहते हैं या एग पाइलस कहते हैं। ये एक खास किस्म का पाइलस है जो कि कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में मदद फराहम करता है। तो ऐसा सेल जिसके पास एग प्लाज्मिड मौजूद होता है, उसे हम एग पॉजिटिव सेल या मेल सेल कहते हैं, क्योंकि ये सेल इस काबिल होता है कि ये प्लाज्मिड के जीन दूसरे सेल को थ्रू दिस पाइलस ट्रांसमिट कर सके। अगर हम एफ प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इट इज अराउंड 62.5 × 10⁶ डाल्टन्स। इसमें दो अहम रीजन होते हैं जिनके तकरीबन 40 जीन्स होते हैं, जिनमें से जो 21 जीन्स हैं दे आर नोन एज द ट्रॉ रीजन। ये ट्रॉ रीजन वो रीजन है जो फिलाई फॉर्मेशन के लिए कोड करता है, जबकि जो दूसरा अहम रीजन है इट इज TRP रीजन। ये रीजन ऐसे एंजाइम्स बनाने में किरदार अदा करता है जो कि लेटर इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इस्तेमाल हो सके। इसके अलावा इस प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होता है अपना। ये दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, एक रैप F1A होता है जिसमें दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाती हैं ORIS एंड ORIV। ORIS जो है ये रेप्लिकेशन जो है साइट, ये यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन को कोड करती है, और जो ORIV साइट है ये बायडायरेक्शनल रेप्लिकेशन को कोड करती है। जबकि जो दूसरी रेप्लिकेशन साइट है जिसे रैप F1B कहते हैं, ये जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में किरदार अदा करती है जब बैक्टीरिया किसी तरह से प्लाज्मिड जो है वो अपने रैप F1A को लूज कर जाए। इसके अलावा इसके पास ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर ORIT साइट मौजूद होती है, जहां से जो प्लाज्मिड है इसका ट्रांसफर स्टार्ट होता है। इसके अलावा इसके पास ट्रांसपोजिबल जेनेटिक एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये एक ऐसे जीन्स हैं जो कि जंपिंग जीन्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये जो ट्रांसपोजिबल जेनेटिक एलिमेंट है इसमें जो है ट्रांसपोजोन 1000 है और इंसर्शन सीक्वेंस 2 और 3 पाई जाती है। कहा ही जाता है कि जो ये ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम की मोबिलाइजेशन यानी कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम की ट्रांसफरेंस में रोल अदा करता है। एक और अहम प्लाज्मिड की टाइप है जो है वो है आर प्लाज्मिड। ये खास किस्म के प्लाज्मिड हैं जिनकी मौजूदगी की वजह से जो बैक्टीरिया है वो किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस एक्वायर कर सकता है। ये प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस ऐसे प्रोवाइड करते हैं, या तो ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिससे जो एंटीबायोटिक है उसका स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है, जैसे कि पेनिसिलिनेज ऐसे एंजाइम है जो एक एंटीबायोटिक जो कि पेनिसिलिन है उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से जो ये एंटीबायोटिक है ये इनएफेक्टिव हो जाती है। अगर हम आर प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो है साइट्स होती हैं। एक रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं RTF। ये जो रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर है ये ऐसे जीन्स को कोड करता है जो कि रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जो कॉपी नंबर मेंटेन करने में रोल अदा करते हैं और जो ट्रांसफर होने में रोल अदा करते हैं। इसके अलावा एडिशनली कभी कभी एट्रासैक्रिन की रेजिस्टेंस के जीन भी RTF रीजन पे पाए जाते हैं। तो दूसरा अहम रीजन है इट इज़ रेजिस्टेंस डिटर्मिनेंट, इसे R रीजन कहते हैं। ये वो अहम रीजन है जो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस के लिए जीन्स कोड करता है। अब ये रेजिस्टेंस मैकेनिज्म जो है वो कोई एंजाइम प्रोडक्शन भी हो सकता है या कोई और ऐसा जो है
ऑल्टर्ड मैकेनिज्म हो सकता है जिसकी थ्रू जो है बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस एक्वायर कर ले। ये रेजिस्टेंस डिटरमिनेंट बैक्टीरिया को एक से ज्यादा एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस फराहम कर सकता है। आर प्लाज्मिड को मेडिकल की फील्ड में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है। इसकी वजह ये है कि जो आर प्लाज्मिड है ये ट्रांसफर हो सकता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल के दरमियान, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक और सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं, आया वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं और वो कोई एपिडेमिक भी हो सकती है। इसके अलावा प्लाज्मिड की और बहुत सारी टाइप भी हैं, जैसे कि कॉलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड। बेसिकली कॉलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो एक खास किस्म का प्रोटीन बनाते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ऐसे प्रोटीन को हम कॉलिसिन कहते हैं। इकोलाई में ऐसे प्लाज्मिड देखे गए हैं जो कॉलिसिन प्रोडक्शन को कोड करते हैं। ऐसे प्लाज्मिड को हम कॉलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड कहते हैं। ये कॉलिसिनोजेनिक प्लाज्मिड दो तरह के होते हैं, एक वो जो ट्रांसफर हो सकते हैं थ्रू कॉन्जुगेशन, जिन्हें हम कॉन्जुगेटिव कॉल प्लाज्मिड्स कहते हैं, और दूसरे ऐसे कॉलिसिन प्लाज्मिड होते हैं ट्रांसफर नहीं हो सकते, उन्हें हम नॉन कॉन्जुगेटिव कॉल प्लाज्मिड्स कहते हैं। विरुलेंस प्लाज्मिड, कुछ प्लाज्मिड ऐसे जीन्स कोड करते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया को डिजीज प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है, जैसे कि टी आई प्लाज्मिड। ये एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस में पाया जाता है जो कि एक प्लांट पैथोजन है, और इस प्लाज्मिड की वजह से ये बैक्टीरिया प्लांट सेल में ट्यूमर प्रोड्यूस कर सकता है, और अगर हम इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से निकाल दें तो ये बैक्टीरिया प्लांट में डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए हम इसको विरुलेंस प्लाज्मिड कहते हैं। इसके अलावा ब्रॉड होस्ट रेंज प्लाज्मिड, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा बैक्टीरिया स्पीशी में पाए जाते हैं, ऐसे प्लाज्मिड को हम ब्रॉड होस्ट रेंज कहते हैं। और ऐसे प्लाज्मिड जो एक से ज्यादा स्पीशीज में नहीं पाए जाते, जो एक ही स्पीशी के दरमियान पाए जाते हैं, उनको हम नैरो होस्ट रेंज प्लाज्मिड कहते हैं। इसके अलावा कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो कि किसी खास प्रोडक्ट के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें हम मेटाबॉलिक प्लाज्मिड कहते हैं। मेटाबॉलिक, जैसे कि इसी एग्जांपल है सुडोमोनास फ्यूटेडा में खास प्लाज्मिड पाए जाते हैं जो कि ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो कि ज़ाइलीन डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, हैवी मेटल लाइन प्लाज्मिड। कुछ प्लाज्मिड्स की मौजूदगी की वजह से बैक्टीरिया जो है वो हैवी मेटल से रेजिस्टेंट हो जाते हैं और इनकी प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, स्टैफलोकोकसाई की। स्टैफलोकोकसाई में प्लाज्मिड पाए जाते हैं जो स्टैफलोकोकसाई को रेजिस्टेंस देते हैं अगेंस्ट मरकरी, जो कि एक हैवी मेटल है।